बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इमरान हनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी बिगनिंग द सब्जेक्ट बायोलॉजी। इन दिस कोर्स वर्क वील डिस्कस व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट आर स्टडीड इन बायोलॉजी with respect to structure, physiology, nutrition and biochemistry. तो बात करते हैं what is biology. Dear students, biology discuss करने से पहले मैं आपको science के बारे में बताता जाऊँ. What is science? So science, it is a study in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn. तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, observations, experiments and conclusions. अब सबसे पहले बात करते हैं observations की। जैसे कि आपके इल्म में है, हमारे पास फाइव senses हैं। ये फाइव senses में हेयरिंग आती है, विजन आता है, स्मेल आती है, टेस्ट एंड टच। इन फाइव सेंसेस को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, मालूमात इकट्ठी करना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाती है। तो साइंस की डेफिनेशन में जो पहली बात मैंने की थी ऑब्जर्वेशन, वो मैंने आपको बताई ऑब्जर्वेशन क्या है। अब जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गई, नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। हम उस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट निकलेगा। ये जो रिजल्ट होगा, ये लॉजिक के असूलों के ऊपर होगा। व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक वो इल्म है जिसमें हम अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए सही और गलत के दरमियान फ़र्क करते हैं। वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। दिस नॉलेज इज कॉल्ड लॉजिक। मिसाल के तौर पे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और रास्ते में एक गड्ढा आ गया। हमारी लॉजिक क्या कह रही है कि हम उस गड्ढे से बचते हुए एक साइड से एक तरफ से जो होकर निकल जाएं। तो यहाँ पर हमने अपनी लॉजिक को इस्तेमाल किया और गड्ढे के एक साइड से गुजर गए। अगर हम उस लॉजिक को इस्तेमाल ना करते तो गड्ढे के अंदर गिर जाते। इसी तरह से सही और गलत की पहचान रखते हुए हम उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को जांचते हैं। अब ये तमाम काम हमने क्यों किया? हमने ऑब्जर्वेशंस क्यों की, एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए, रिजल्ट्स क्यों ड्रा किए, क्यों निकाले? बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें इस कायनात को जानने समझने के बारे में, तहकीक करने के बारे में कहा है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी ज़मीन के बारे में, अपने वजूद के बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानना चाहते हैं। हम उन सवालात के जवाब क्यों तलाश करते हैं? क्योंकि इससे हमें सेटिस्फिकेशन होती है, हमें तसल्ली मिलती है कि हमें अपने सवालों के जवाब मिल गए। इंसान शुरू से ही एक सोच विचार रखने वाला जहन लेकर पैदा हुआ है। उसके दिल में, जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं और जब तक उन सवालात का जवाब ना मिले, उसको तसल्ली नहीं होती। तो ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन्स, ये तमाम चीज़ें क्यों की? इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। तो ये तो थी साइंस। अब जैसे जैसे इस साइंस के इल्म में इजाफा होता गया, इस साइंस को एक स्टडी लेते हुए पढ़ना, पढ़ाना, समझना मुश्किल हो गया, जिसके सबब साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा।
आपने ग्रेड 8 में साइंस की बुक पढ़ी जिसमें कुछ चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड थे, कुछ केमिस्ट्री से और कुछ फिजिक्स से। लेकिन जब आप ग्रेड 9 में शिफ्ट हुए तो देखा बायोलॉजी की बुक लहदा आ गई, केमिस्ट्री की लहदा आ गई, फिजिक्स की लहदा आ गई। लेकिन अगर आप उस 8 क्लास की साइंस की बुक को देखें तो आप ये बात जान लेंगे कि उस साइंस की बुक में बायोलॉजी के रिलेटेड चैप्टर भी थे, केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर भी थे और फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स भी मौजूद थे। तो जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता गया, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाई गईं और उनमें से एक ब्रांच बायोलॉजी थी। जी स्टूडेंट्स, बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जी स्टूडेंट्स, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन थॉट्स, रीजनिंग, डिस्कशन, किसी चीज़ को सोच विचार करना, बहस करना, समझना, ये लोगोस है। तो बायोस एंड लोगोस, व्हाट इज बायोलॉजी? इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी साइंस के असूलों को इस्तेमाल करते हुए जानदारों का मुतालिया करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बायोलॉजी है। योर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी तक बात ख़त्म ना हुई। जैसे साइंस का इलम बढ़ता गया, उसकी ब्रांचेस बनी, इसी तरह से बायोलॉजी जब इसके इलम में इजाफा हुआ, बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुई, तो बायोलॉजी के ब्रांच को मज़ीद डिविजन्स में, मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड करना पड़ा। सो व्हाट आर द मेजर ब्रांचेस और डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी? सो देर आर 3 मेजर ब्रांचेस और डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट जूलॉजी। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर विजिटेड अ जू? जब आप चिड़ियाघर जाते हैं वहाँ पे आपको क्या नज़र आते हैं? एनिमल्स। तो व्हाट इज जू? जू मीन्स एनिमल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो व्हाट इज जूलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सेकेंड इज बॉटनी। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बूटा से आप लोग याद रख सकते हैं, पत्ते, बूटा, पौधे। तो जो बूटा है वो पौधे के लिए बोला जाता है और पौधों की जो स्टडी है वो बॉटनी कहलाती है। बायोलॉजी की डिविजन्स में जो लास्ट डिविजन हम आज डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोबायोलॉजी। अब जो माइक्रोबायोलॉजी है इसको 3 वर्ड्स में डिस्कस किया जा सकता है, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे। एक लफ्ज़ होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो का मतलब है बड़े और माइक्रो का मतलब है छोटे, स्मॉल। सो माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो बायो यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड लॉजी मीन स्टडी। सो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स या इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया। अगर मैं कहूँ ये क्लास में बैक्टीरिया मौजूद हैं तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यू विल एग्री विद मी। तो वायरसेस, फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, बैक्टीरिया, इनकी स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ये माइक्रो बायोलॉजी कहलाती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसमें हमने सीखा कि साइंस क्या है, जिसमें हमने सीखा कि साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया गया, जिसमें हमने सीखा कि बायोलॉजी क्या है और जिसमें हमने बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।